हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूँ अरसलान और यहाँ पर आरती आई है और आरती ने मुझे बुलाई है स्टेशन सिवड़ी के, क्योंकि सिवड़ी के प्रोनाउंसिएशन। सो गाइस, वन इज सिवड़ी, वन इज सिवड़ी एंड व्हाट इज सिवड़ी, व्हाट्स इन माय बैग, व्हाट्स इन योर बैग, ओके टेल मी व्हाट्स इन योर बैग। थिंग आई हैव इज दिस क्यूट लिपस्टिक सेट व्हिच हैज जो आज ही ऑर्डर आया है और डैडी जो चिड़के देखे थे मेरे को इस चीज के लिए, टू लिपस्टिक एंड द सेकेंड थिंग आई हैव टू लिपस्टिक्स अगेन एंड वन मार्कर। अरे मार्कर लग रहा था मेरे तो। सो वी हैव फाइव शेड्स इन वन लिपस्टिक, सो दिस इज गॉड, इफ यू वांट टू गिफ्ट टू योर गर्लफ्रेंड गाइज यू कैन गिव एनी ऑफ दीज। एंड आई हैव सोप, yeah, because you don't because brush you stink. You stink. Because you stink, that's why. Excuse me. Thrice a day. Then I have my transparent chashma because ainak. Mitti se dur. Ainak. And I have many things and have one more chashma which is for dhoop. And one more thing I have is my headphones and yeah. I have a cute chota sa chiller ka purse. चिल्लर पर्स, व्हाट इज दिस, दैट इज कॉइन। आई हैव विक्टोरिया सीक्रेट परफ्यूम जो कि मैं जीशान भाई को गिफ्ट करने वाला हूँ, तेरे बैग में से निकाल कर, सॉरी तू निकाल कर मेरे को देगी। अच्छा और एक चीज, एंड आई हैव माय कैशियो वॉच जो मुझे, इट्स नॉट कैशियो, इट्स केसियो, समझा रहा तुमको? वेयर इज माय वॉच, गिव माय वॉच। सो यू कैन वेयर दिस, दिस इज यूनिसेक्स। नो, ट्रेन आ गई। सो गाइस, ट्रेन आ गई, बाद में मिलते हैं। सो हेलो गाइज, हम लोग को ट्रेन मिल चुकी है और ट्रेन मिलने के बाद ये बोल रही है मुझे फ्लैश चालू करने के लिए, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ये काली आती है, लेकिन मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं फ्लैश नहीं ऑन करूंगा क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं है। सो गाइज, हम लोग ट्रेन से उतर के आपको डायरेक्टली नवी मुंबई में मिलेंगे, क्योंकि अगर मेरे को ट्रेन में बात करना तो मेरा इंटरव्यू लो। गाइज मैं फोन रखता हूँ, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। अच्छा एक सवाल पूछो, तेरे घर में टीवी है? Yes. कौन सा चैनल देखती है? चैनल नहीं देखती हूँ मैं, नेटफ्लिक्स देखती हूँ। अब बड़े लोग हैं तो बात ही उधर ही खत्म हो गई। सो गाइज, हम लोग मिलते हैं आपको नवी मुंबई में। इसका दिमाग नहीं चल रहा है, इसकी एडिटिंग भी नहीं हुई, ये बोल रही है कि अभी मैं एडिट करने जा रही हूँ एटसेट्रा एंड स्टफ। सो गाइज, वी विल मीट यू एट नवी मुंबई। वॉट इज बुराई, दैट इज पल पल की खबर विथ अरसु रिपोर्टर। सो गाइज, मीट यू, बाय। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। Yes! So guys, रुकावट के लिए खेद है, हम लोग ट्रेन में थे और ट्रेन में इतना क्राउड था कि मैं तेरा वो टेक तो लेना ही भूल गया। What's in my bag? मैं आज बना हूँ guys रिपोर्टर, मैं ईयरफोन जो लगाया हूँ, सॉरी आवाज नहीं आ रही देगी आप लोग को, मैं आज बना हूँ रिपोर्टर guys। तो मैं चाहता हूँ आरती अपने बैग के अंदर छानबीन करके मुझे बताए what's in a bag। So guys, next चीज जो मेरे बैग में है वो है ये वाली पर्स मेरी, और ये वाली पर्स में मेरे सारे कार्ड्स रहते हैं, तो मतलब कार्ड, आधार कार्ड, वो सब कार्ड, ऐसे नहीं कि बहुत सारे बैग के कार्ड। ओह, सेम मी। नेक्स्ट थिंग आई हैव इज अ मस्कारा व्हिच आई डोंट अप्लाई यूजुअली। क्या मस्करी करती है सेट तू, बट कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ मन के ऊपर। एंड देन आई हैव, या क्लिप कहाँ गई, इसमें थी, मेरे को क्या मालूम तेरा बैग है भाई। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जीशान और अब्रेश से मिलने के लिए। फोन पकड़ लो। सेलिब्रिटी आए हैं यहाँ पे, मैं तो नहीं आई। कौन आया है लेकिन सेलिब्रिटी? कहीं करण कुंद्रा तो नहीं? अरे यार, मैं करण कुंद्रा की बहुत बड़ी डाई हार्ट फैन हूँ, मेरी बहुत लाइफ टाइम, मतलब 9 साल से एक ही विश है कि मैं एक बार करण कुंद्रा को मिलूं। प्लीज अगर आप ये मेरी विश पूरी कर सकते हो तो मुझे कमेंट्स पर बताना। गाइज मेरे हाथ दुख रहे हैं, ये इतनी चपड़ चपड़ कर रही है। अरे लेकिन रुक जा ना भाई, वहाँ पर चल के तेरा व्हाट्स इन द बैग। नेक्स्ट आई हैव द एयरपॉड्स, एयरपॉड्स जो अब्रेश ने तोड़ दिया है गाइज। अब्रेश ने तोड़ दिया वो। एंड आई हैव वैसलीन क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है गाइज, सो इट इज वेरी, ये वाला मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इट फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग। आरती एक काम करते, हाँ एक काम करते, वहाँ पे पहुँचते फिर वहाँ पे मैं फोन लगाता हूँ, मेरे पास सिर्फ 5% ही बैटरी है। सो गाइज, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपसे मिलते हैं गाइज, समझ रहे हो ना, मिलते हैं।
सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं सुफियान भाई के यहाँ पर, और अभी सुफियान भाई के घर पे जाएंगे। तो आरती को भूख लगी थी तो मैंने बोला आरती को कि आरती एक काम कर, तू फ्रूट्स ही खा ले क्योंकि मैं तो खाना खाकर आया हूँ। तो आरती फ्रूट ले रही है। क्या खाओगे तू? मैं नहीं खाऊंगा, तू खा, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो फ्रूट्स खा सकते खाने के बाद, इतना होगा। ओह माय गॉड, आई वोंट ईट एनी फ्रूट्स। सो गाइस फ्रूट दिखाई, ओ गाइस बोल रहा हूँ भाई, फ्रूट बताना कौन सा है आपके पास? इतने फ्रूट दिख रहे नहीं है क्या, क्या बताना? देखो इधर गाइस, फ्रूट चूज करके मिलते हैं कौन सा फ्रूट खाना चाहिए। हम लोग ने एप्पल और ऑरेंज ले चुके हैं जो कि है ये। कितना हो गया भाई? 140। किसका? मेरे पास क्या? मेरे पास नहीं है फोन तेरा। गूगल पे करने का है, दो फालतू के। अरे तो मेरे पास नहीं है, मैं कैश दे दूंगा ना। तूने मेरे को थोड़ी ना दी थी फोन। तुमको ही दी थी अच्छी। व्हाट्स इन अ बैग कर रही थी तू तो? व्हाट्स इन माय बैग, जब मैं कर रही थी तब मैंने तुमको फोन दी थी। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, फोन दो। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरी वीडियो है मेरे पास। जामुन खाओगे? नहीं, तू पहले फोन देख तेरा। डेढ़ लाख का फोन, और अगर मेरा फोन पे ध्यान देते तो तुम्हारा बराबर मेरे फोन कट रिक्शा वहाँ पर खड़ी है, चल वहाँ पर देख कर आते। आज की ताजा खबर, अरे मेरा यह फोन किधर है? तो गाइस आज की ताजा खबर, आरती ने अपना फोन रिक्शा में भूल गई। नहीं अंशु, मैंने तुमको ही दी थी। अरे मैं मालूम है, जब वो फ्रूट वाले को तो बोल कर रहो कि पैसा थोड़ा सामने से लेकर आओ। आरती रुक जा, अपन उसको जाकर दिखाएंगे, वो पहचान वाला अंकल है अपने, ठीक है? अरे तो रिक्शा वहाँ पे चले जाएगी। चले गई है, तुमको कौन सी रिक्शा? वो देखो वो है रिक्शा। अभी हम लोग जा रहे हैं रिक्शा को ढूंढने के लिए कि रिक्शा कहाँ पर है। वो रिक्शा गई। अरे देखना है, वो देखो अंकल पहचान वाले, अंकल को मैंने कैश दिया था। हर घर पहचानता है, पहचान वाले कुछ पहचान वाले। अरसु मेरे को याद है, मैंने तुमको दी थी, नाटक मत करो ज्यादा। अरे यू कैन चेक My bags and I don't have pocket also. I have only two pocket, but two pocket में भी कुछ नहीं है। पक्का देखो मालूम है। ओ ध्यान लगाया जा रहा है guys। बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। Meditation कर लो पहला। तुमको ही दी। अरे मेरे पास नहीं है फोन। मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूँ। लिख के दो। अरसु के पास मेरा फोन है। मीट भी क्या हो? रिक्शा अब, हाँ भाई सही बोली, रिक्शा भी चले गई। सो गाइस रिक्शा भी चले गई है, सही बात है। देखो तेरा अलर्ट माइंड रखना चाहिए था। मैं कितनी बार बोला हूँ कि तेरा फोन तू जा छोड़ती है वहाँ से, तेरा फोन ले लिया कर हाथ में, तेरा फोन हाथ में ले लिया कर। मेरे पास है ही नहीं मेरे पास। देखो अरे मेरे पास है ही नहीं। मैं चिली हूँ कौवी। तुम पैनिक हो जाते हो। नहीं भाई मेरे पास है नहीं। अरे मेरे पास नहीं, बैग दिखाओ। अरे बारिश हो जाएगी पागल, अंदर लैपटॉप है। नहीं होगी। अरे वाह, अरे नहीं पास। अरे मेरे पास है ही नहीं। तुम बैग मेरे पास है ही, मतलब तुम्हारे पास। अरे मेरे पास क्यों रहेगा बताओ? मेरे पास नहीं है गाइस। नहीं निकाल दी। ये देखो मेरा बैग चेक करा जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है नहीं, जबरदस्ती। सो गाइज मेरे पास कुछ जगह नहीं थी और मैंने बहुत सफाई से अंदर बैग के रखा था। क्यों पता है आपको? क्योंकि मैं इसको कितनी बार समझाया हूँ, इट्स अ सबक फॉर यू, इट्स अ लेसन फॉर हर गाइज। क्योंकि वो जहाँ जाती है ना, वो इधर उधर देखने लग जाती है, और देखने लगने के बाद वो ढूंढती रहती है अपना फोन किधर है। तो मैं बताता हूँ कि तेरा फोन इधर है, तेरा फोन उधर है, बात करती है। सो गाइज मैंने इसका फोन इसके लिए दे दिया। इसको मैं कर सकता था और भी बहुत सारी चीजें, फोन रख सकता था, लेकिन मैंने इसको इसके लिए इसका फोन दे दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसका रोने वाली आवाज। करके रोती है ना, जो गाइज एकदम इरिटेट हो जाता हूँ गाइज मैं। ला तेरा फोन वापिस, फोन फिर से छुपाता हूँ मैं। गाइज नाटक कर रही है, वहां पे जाके हंस रही है देखो। सो गाइज आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भी हम लोग जा रहे हैं सुफियान भाई से मिलने के लिए और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो गाइज मीट यू देयर।
सो गाइस हो गई है सुबह और अभी मैं सोया भी नहीं हूँ, बस एक या दो घंटा सोया रहूंगा मुश्किल से, क्योंकि कल रात में बहुत लेट हो गया था, जैसे कि बारिश बहुत हो रही थी इसलिए थोड़ा आने में लेट हो गया था। सो गाइस ये प्रैंक नहीं था आरती के ऊपर, ये उसको एक सबक सिखाने का निंजा टेक्निक था गाइस, क्योंकि वो इधर उधर सब चीजें छोड़ देती है, सिर्फ फोन नहीं सब चीजें छोड़ देती है अपनी। अभी देखो होप सो ये सबक सीखने के बाद उसको सब समझ में आए कि नहीं, हाँ नहीं रखना चाहिए इधर उधर। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस, लॉट्स ऑफ लव। और गाइस आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक।